जमशेदपुर में कोरोना काल में 1.5 साल से बंद पड़े जुबली पार्क को आम जनता की मांग पर गुरुवार की सुबह से खोल दिया गया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिला उपायुक्त जिसको के एमडी के अलावा मॉर्निंग वॉकर मौजूद रहे। पार्क का भ्रमण करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि देश के 5 नामचीन पार्क में जुबली पार्क का नाम शामिल है। इस पार्क में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वृक्षारोपण किया है। उन्होंने बताया कि पार्क में मॉर्निंग वॉक के अलावा योग प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और आम जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन करें। और जुगली पार्क जिसको मैसूर का गार्डन और वृंदावन का जो गार्डन है, जो देश के जाने माने 5 ऐसे गार्डन हैं जिसको देश में सूचीबद्ध किया है, उसमें एक है ये हमारा जुगली पार्क, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी वृक्षारोपण हुआ है। यहाँ लोगों को योग वगैरह, मेडिटेशन, योग, इन चीज़ों पर भी कुछ अपने तरफ से प्रशिक्षित लोगों को एक समयबद्ध तरीके से को जोड़कर यहाँ एक व्यवस्था कायम की जाए। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग यदा कदा कहीं भी कचरा ना फेंकें, साफ सुथरा रखें, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार से ही हम अपने इस गौरवशाली शहर का मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। पार्क में प्रवेश करने से पहले लोगों को कैमरे के सामने से होकर गुजरना पड़ेगा। जिला उपायुक्त ने बताया कि पार्क में सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक लोग प्रवेश कर सकेंगे। इस दौरान उन्हें अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होगा। बिना मास्क के पार्क में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन काफ़ी मात्रा में होगा, तो जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरे तरीके से फॉलो करेंगे और इसमें जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति आएंगे वो अपनी आईडी कार्ड, उसकी छाया प्रति, मोबाइल पर उसकी प्रति किसी के साथ भी आएँ और कैमरे में अपना नाम और उसके बाद फिर वो आईडी कार्ड एक दिखा दें ताकि उसका रिकॉर्ड हो जाए कि इनकेस अगर फ्यूचर में कोई भी संक्रमित व्यक्ति हम लोग को यहाँ से मिलता है तो उस वक्त कौन कौन से लोग थे जिनकी टेस्टिंग आवश्यक है या किनको अपने आप को आइसोलेट करना है, वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर हम लोग इंश्योर कर सकें। साथ ही साथ अभी जो हम लोगों ने मॉर्निंग वॉकर्स से बात किया था तो मोस्टली टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग वॉकर्स के लिए 5 से 9 रहेगी और इवनिंग वॉकर्स के लिए शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगी। बहरहाल पार्क के खुल जाने से मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों को राहत मिली है, वहीं पर्यटक भी अब पार्क का आनंद ले सकेंगे। लेकिन तीसरे वेव का संक्रमण ना फैले इसके लिए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। जितेंद्र कुमार, ETV भारत, जमशेदपुर।